गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है बायो फार्मास्यूटिक्स पे। अब सिंपली बायो फार्मास्यूटिक्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं बायो फार्मास्यूटिक्स का मतलब क्या होता है, अगर आप बायो वर्ड को कट करते हो मींस लाइफ, फार्मास्यूटिक्स को देखते हो तो ये फार्मास्यूटिक्स है। मतलब फार्मास्यूटिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, डोजेज फॉर्म। मतलब किसी भी ड्रग को हम किस डोज में दे रहे हैं, किस डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस डोजेज फॉर्म का मतलब होता है फार्मास्यूटिक्स और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो आपको पता है कोई भी ड्रग आप ऐसे नहीं लेते हो, उस ड्रग का कोई डोजेज फॉर्म होता है, मतलब उस ड्रग का कैरियर होता है। फॉर एग्जांपल आप सिरप लेते हो तो उस पर क्या होती है, ड्रग होती है, लेकिन वो अकेले एक ड्रग थोड़ी ना होती है, उसमें इतने सारे एक्सीपिएंट्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं आपके ड्रग को। या आप सॉलिड डोजेज फॉर्म ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ ड्रग नहीं होती, कुछ एक्सीपिएंट्स भी होते हैं और कुछ कैरियर्स होते हैं जो उस ड्रग को कैरी करते हैं। तो डोजेज फॉर्म क्या होती है, इज़ अ कैरियर दैट कैरी योर ड्रग, जो कि हमारी ड्रग को कैरी करती है टू द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे उसका काम होता है। तो अगर आप सिंपली बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करें ना, तो डोजेज फॉर्म कैसे वो ड्रग आपकी बॉडी में जाती है, उससे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। अब हम लोग फार्माकोलॉजी में देखते हैं ना, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, तो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ और फार्माकोडायनेमिक स्टडीज़ दोनों स्टडीज़ को मतलब जेन में रखते हैं, उसके बाद एक डोजेज फॉर्म बनाते हैं। सही है कि हम लोग को बायो अवेलेबिलिटी इतनी चाहिए, इसकी हाफ लाइफ इतनी होगी, तो हम लोग इसे ऐसे फॉर्मुलेट करें, तो हम लोग ये सारे जो मेथड्स और ये सारी चीज़ें अपने जहन में रख के एक डोजेज फॉर्म बनाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें देखें ना, उसको बोलते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स। मतलब एक डोजेज फॉर्म, एक ड्रग बनाने के पहले हम लोग अपनी बॉडी की स्टडी भी करते हैं। तो बॉडी में कौन सा प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, ड्रग के साथ क्या होगा, ड्रग जाके क्या करेगी, ये सारे प्रोसेसेस हम लोग चेक करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली अब हम लोग क्या करते हैं, ड्रग बनाते हैं। तो उसको हम लोग बायो फार्मास्यूटिक्स कह सकते हैं। तो अगर आई होप आपको समझ आया होगा कि ड्रग को बनाने से पहले भी आपको ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होती है, और ड्रग को बनाने के बाद भी आप लोग सारे प्रोसेसेस इन वीवो इन विट्रो सारी चीज़ें आप चेक करते हो। तो चलें बायोफार्मास्यूटिक्स हम लोग देखते हैं क्या है। बायोफार्मास्यूटिक्स इज़ इट्सेल्फ द ब्रांच ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंसेस। फार्मास्यूटिकल साइंसेस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशनशिप देखते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्रग की देखेंगे, देयर प्रॉपर डोजेज, किस डोजेज फॉर्म में है ड्रग, ओरल है, आईवी है, या ऐसे भी कह सकते हैं सॉलिड है, लिक्विड है, किस फॉर्म में, सस्पेंशन है, किस फॉर्म में आपकी ड्रग है, इज रिलेटेड टू द, मतलब फिर उस ड्रग को हम लोग रिलेट करते हैं। पहले हम लोगों ने ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उसकी डोजेज फॉर्म देखी, अब उसको रिलेट करते हैं कि इस ड्रग का ऑनसेट कब आएगा। मतलब आपने ड्रग तो ले ली, लेकिन जैसे ही आप लोग ड्रग देते हो उसी टाइम आपको उसका इफ़ेक्ट नहीं मिलता ना, 15 मिनट लगते हैं। अगर आपने ओरल ली है ड्रग तो वो पहले डिसॉल्व होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, एब्जॉर्ब होगी, फिर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी उस साइट ऑफ एक्शन पे, तो वो कुछ टाइम लेती है। सही है, तो उस टाइम का मतलब जब जहाँ से आपने ड्रग ली टू द ड्रग रीचेस टू द साइट ऑफ एक्शन, और ये जो ड्यूरेशन होता है ना उसको आप ऑनसेट कहते हो। मतलब आपने ड्रग ली और वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंची, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट आएगा, तो ये क्या होता है, ड्यूरेशन, जिसको हम लोग ऑनसेट कहते हैं। ऑनसेट के कब आ रहा है उसका, उसके बाद ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए वो आपकी बॉडी में रहेगी और इफ़ेक्ट दिखाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल साइट ऑफ एक्शन पे वो रीच कर गई, वहाँ पे उसका, तो कितनी देर तक यहाँ पे रहेगी और कितनी देर तक इस ऑर्गन पे वो अपना इफ़ेक्ट दिखाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन। नेचर क्या है और जो इफ़ेक्ट दिखा रही है ना उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं किसमें, फार्मास्यूटिक्स में। तो हम लोग सिर्फ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर हम लोग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। ड्रग की लाइपोफिलिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट देखेंगे, उसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट देखेंगे, एब्जॉर्प्शन देखेंगे, उसकी जो ड्रग है वो कौन सा इफ़ेक्ट दिखा रही है, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, थेरापेटिक इफ़ेक्ट है, या उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट है। मतलब ओवरऑल स्टडी करते हैं हम लोग अपने ड्रग के बारे में किसमें, फार्मास्यूटिक्स में।
बायोफार्मास्यूटिक्स में द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशनशिप, उसका डोजेज का रिलेशनशिप, फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, किस फॉर्म में आपने ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, आईवी में, आईवी के थ्रू आपने दिया है, ओरली के थ्रू दिया है, आपने कैसे दिया है, एंड इट्स एक्टिविटी इन अ लिविंग बॉडी, और ये जाके लिविंग बॉडी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी। द टर्म बायोफार्मास्यूटिक्स वेल डिफाइंड, अगर बायोफार्मास्यूटिक्स की आप बात करें ना तो उसको सिंपली आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को इफेक्ट करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी सिर्फ एनिमल्स में नहीं लेकिन ह्यूमंस में, हम लोग ह्यूमन स्टडीज़ भी देखते हैं और एनिमल स्टडीज़ भी देखते हैं। अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स का पता होगा तो हम लोग उसमें एनिमल्स यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर ह्यूमंस की तरफ जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। यूजेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज द फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापेटिक एक्टिविटीज़, हम लोग क्या करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोग उसे यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं कि हम लोग जो फार्माकोलॉजिकल और थेरापेटिक एक्टिविटी है ना ड्रग की, उसको इम्प्रूव कर सकें इन अ क्लिनिकल एप्लीकेशन। आप क्लिनिकली यूज़ नहीं करते हो, पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में जाती हैं वो ड्रग, जब अप्रूव हो जाती हैं फिर आप क्लिनिकली उसे पेशेंट्स को देते हैं। तो ये था बायोफार्मास्यूटिक्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि बायोफार्मास्यूटिक्स में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें ड्रग की देखते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या देखते हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, ड्रग का पार्टिकल साइज़ क्या है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, ड्रग का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो उसे हम लोग बोलेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। और अगर हम लोग देखें ना ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग ये इन्फ्लुएंस करती हैं बायो अवेलेबिलिटी पे। जैसे मैंने कहा था अगर जो ड्रग है ना वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो क्या करेगी, जल्दी से एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगी, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, वहाँ पे बायो अवेलेबल होगी। तो ये सारी क्या है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और ड्रग को लाइपोफिलिक भी होना होता है, हाइड्रोफिलिक भी होना होता है, इसीलिए हम लोग मोस्टली जो ड्रग यूज़ करते हैं, ड्रग्स हमारी क्या होती हैं, वीक एसिड और वीक बेस होती हैं। क्यों होती है वो हम लोग आगे जाके देखते हैं। द डोजेज फॉर्म, किस डोजेज फॉर्म में आप दे रहे हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, सस्पेंशन है, या आप मतलब कि ऑइंटमेंट है, सेमी सॉलिड है, किस फॉर्म में। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या इफेक्ट ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्ट ऑन अ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यहाँ पे रेट और एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ, बायो अवेलेबिलिटी। द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज एंड द ड्रग फॉर्मुलेशन ऑन एब्जॉर्प्शन, अब ड्रग फॉर्मुलेशन का क्या इफेक्ट होता है एब्जॉर्प्शन पे, वो भी हम लोग देखेंगे। ड्रग अब क्या हुआ, आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई, अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो भी हम बायोफार्मास्यूटिक्स में देखते हैं। अनबाउंड ड्रग है या बाउंड ड्रग है, कौन सी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये सब चीज़ें। द ड्रग रीचेज द साइट ऑफ एक्शन, अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, ड्रग रीच कर जाती है साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन पे कितना अमाउंट ड्रग का आया है, कितनी देर तक वहाँ पे स्टे करेगा, ये सारी चीज़ें। फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो ड्रग का रिस्पॉन्स आया है वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो कि हमें डिज़ायर था, कौन सा इफेक्ट है। रिजल्ट व्हेन द ड्रग कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन रीचेस, मतलब जब साइट ऑफ एक्शन पे कंसंट्रेशन रीच करती है या एक्सीड करती है मिनिमल इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है, वो कंसंट्रेशन होती है ड्रग की जिसके बाद ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है। जैसे ही ड्रग इस कंसंट्रेशन पे पहुंच जाती है ना तो अपना इफेक्ट शो करती है। तो कहीं ये ड्रग इस कंसंट्रेशन को एक्सीड तो नहीं करी या इतना एक्सीड तो नहीं करी जो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स आए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ड्रग का डोज मेंटेन करते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लिनिकल एंड पॉसिबल टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज, हम लोग क्या करेंगे उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, क्या उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, उसका क्लिनिकल इफेक्ट देखेंगे कि हम लोगों ने जिस डिजीज़ के लिए दिए इस ड्रग को वो डिजीज़ ट्रीट कर रही है, उसकी टॉक्सिक रिस्पॉन्स देखेंगे, ऐसा तो नहीं है इसका डोज एक्सीड कर रहा है और टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे किसमें, बायोफार्मास्यूटिक्स में। द सजेस्टेड डोजिंग रेजिमी, और ये सारी चीज़ें देखेंगे इफ़ेक्ट कौन सा आया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक ड्रग बना रहे हो, अब ड्रग के बनाने से पहले आप सोच रहे हो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं,
आपको किस डोजेज फॉर्म में ड्रग को बनाना है, उसके बाद उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या रखना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने सिलेक्ट कर दिया, अब ड्रग बॉडी में जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, बायो अवेलेबल हो रही है, वो आप देखेंगे। उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें, साइट ऑफ एक्शन पे कितनी ड्रग रीच कर रही है, एक्सी तो रीच नहीं कर रही, उसके बाद साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग पहुंच गई, उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, फार्माकोलॉजिकल है, टॉक्सिक है, क्लिनिकल है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद आपने एक डोज दिया, अब आपको दूसरा डोज कब देना है, कितनी देर के बाद देना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सजेस्टेड डोज रेजिमी, कि आपने दूसरा जो उसको देना है ना वो डोज कब देना है और कितना देना है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग डोज। अब डोज रेजिमी, जैसे पेशेंट आया तो आपको एक डोज रेजिमी उसकी सेट करनी होती है ना, कि कितने दिन तक लेनी है और कितनी टाइम आपको ये ड्रग एक दिन में कितने टाइम्स लेनी है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मतलब के पेशेंट आया है इमरजेंसी केस है, तो आप उसका स्टार्टिंग डोज क्या दोगे ड्रग का, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम लोग लोडिंग डोज देते हैं, स्टार्ट में हाई डोज देते हैं, उसके बाद उस ड्रग को मेंटेन करने के लिए हम लोग फिर उससे कम डोज को डोज देते हैं कि वो ड्रग मेंटेन रहे। तो हम लोग ये देखेंगे स्टार्टिंग डोज क्या है, मतलब जो फर्स्ट डोज है ना वो आपने कितना दिया अपनी ड्रग का, उसके बाद फर्स्ट डोज दे दिया, उसके बाद आप लोग मेंटेन कैसे करें उस डोज को, मतलब आपने फर्स्ट डोज, कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट डोज आप हाई देते हो, उसके बाद जो दूसरे डोज देते हो ना वो आप कम देते हो, या पहले आप क्या करते हो फर्स्ट डोज कम देते हो कि हमें पता चले कि बॉडी टॉलरेट करती है, उसके बाद आप उसका धीरे धीरे डोज बढ़ाते हो। तो ये क्या होती है डोज रेजिमी है, कि स्टार्टिंग डोज हमें मतलब कि ज़्यादा देना है कम देना है, और मेंटेनेंस डोज क्या होगा उसका, मतलब जो डेली डोज उसका होगा। उसके बाद डोजेज फॉर्म, किस फॉर्म में आपको ड्रग उसे देनी है, मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपने आईवी दे दी, उसके बाद आप उसको ओरल दे रहे हो, तो ओरल आप कितना दोगे डोज, ये वाली चीज़ें। डोजिंग इंटरवल, कितने टाइम के बाद लेना है, मतलब दिन में दो दफ़ा लेना है, दिन में तीन दफ़ा लेना है, मतलब एक ड्रग ली आपने फिर 12 आवर्स के बाद एक दूसरी ड्रग लेनी है, या 24 आवर्स के बाद लेनी है, या 8 आवर्स के बाद लेनी है, ये क्या होगी डोजिंग इंटरवल, किस इंटरवल पे आपको दूसरा डोज देना है, इस डिटरमिनेड इन अ क्लिनिकल ट्रायल्स, हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में ये सारी चीज़ें करते हैं, टू प्रोवाइड द ड्रग कंसंट्रेशन दैट आर थेरापिटिकली इफेक्टिव इन अ मोस्ट पेशेंट। हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों करते हैं पहले ड्रग का, इसलिए कि हम लोग ड्रग की कंसंट्रेशन वो दें जो कि थेरापिटिकली इफेक्टिव हो पेशेंट में, मतलब ऐसा ना हो कि हम ये है थेरापिटिक डोज फॉर एग्जांपल 500 mg, ये थेरापिटिक डोज है हम ड्रग का, हम लोग इससे कम डोज दे रहे हैं, मतलब 25 दे रहे हैं, तो क्या इफेक्ट आएगा थेरापिटिक, नहीं इफेक्ट आएगा। तो ये हो गया सब थेरापिटिक डोज, मतलब ऐसा तो नहीं हम लोग सब थेरापिटिक डोज दे रहे हैं, फिर क्या होता है 500 mg से हम लोग ज़्यादा भी दे सकते हैं, मतलब 500 हम लोग 750 दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा जो थेरापिटिक डोज है ना उससे हाई डोज हम लोग दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक डोज, तो ऐसा तो नहीं है टॉक्सिक डोज दे रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, बायो फार्मास्यूटिक्स से। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा।